हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज वेंसडे है, आज अभी जा रहे हैं हम लोग सब्जी लाने के लिए। सब्जी लेके आएंगे, फिर अभी जाएंगे बैंक बैंक में आज, और थोड़ा बहुत काम कुछ बचा है तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि सुबह सुबह जाके काम खत्म कर लेंगे। बट अभी भी धूप आ चुकी है, यहाँ पे धूप आ चुकी है तो जल्दी जल्दी इसलिए सब काम खत्म करके 10 बजे के अंदर ही निकल जाएंगे। लेके आए हैं वेजिटेबल्स के साथ आमला, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ना आमला का कैंडी खाई थी, आंटी बना के दिए थे और मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे बनाने का मन हो रहा है। तो इस बार मैं कम लेके आई हूँ, अगर अच्छे से हो जाएगा फिर मैं ज़्यादा लेके आऊँगी। तो पहले ना इसको बॉयल करना पड़ेगा, इसको बॉयल करने में बिठा देती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, कवर करके रख देती हूँ। और ये एक है बनाना स्टेम, इसको बोलते हैं मोंजा। इससे मम्मी बनाएगी एक रेसिपी, क्या बोलते हैं मुझे एक्चुअली नहीं पता, वो मैं बाद में बताऊँगी। तो ये होता है वो। और ये मैं लेके आई हूँ स्वीट पोटैटो, इसको मैं एयर फ्राई करके खाऊंगी और इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा लगता है बट अच्छा लगता है। इसे फटने लगेगा तब समझ जाना कि ये पक गया है। सुबह सुबह मैं वो रेडीमेड पराठा थोड़ा सा गर्म कर ली, और ये जो आंटी कल दिए थे मलाई कोफ्ता वो गर्म कर लिया, अभी मैं ये खाऊंगी, उसके बाद हम लोग बैंक निकल जाएंगे। अभी तो जाएंगे, धूप हो रही है, फिर आने के बाद ना खाने के लिए इतना मन नहीं कर रहा, तो मैं इसलिए सोची कि अभी थोड़ा सा आराम से बैठ के खा लेती हूँ, एंजॉय कर करके, फिर आने के बाद मन करेगा नहीं करेगा क्या पता। दो ना, मैं वीडियो में नहीं आऊंगा। खाना भी हो गया और ये आमला भी हो गया है, ये आमला ऐसे फट गया है यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे आराम से निकाल पा रही हूँ, अभी बहुत गर्म है। ये है पूरा एक आमला और इसको ऐसे साइड से निकाल दिया, इसको साइड से निकाल दिया, और ये है उसका सीड, ये आराम से निकल जा रहा है। बस हो गया, और ऐसे मैंने निकाल के पूरा अच्छे से इसे सजा के रख लिया। और ये है वो आमला जो आंटी हमको बना के दिए हैं, और इतना अच्छा लग रहा है खाना खाने के बाद, हम एक खा रहे हैं, मैं अभी एक खा लेती हूँ। ये है मसाला वाला आमला, तो ये मैं लेके आई अभी जस्ट बनाना लीफ हमारे नेबर के घर से, और मम्मी बोली थी वो जो बनाएगी ना आज वो बनाना का कुछ ऐसे, तो वो बनाएगी इससे, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। सब कुछ ना कुछ प्लांट लगाए हैं, जब जो चाहिए सबके घर से सब ले आते हैं, सही है। हमारा बनाना लीफ तो पता नहीं कब होगा, हो भी रहा है या नहीं गॉड नोज, थोड़ा सा बड़ा होगा तो अच्छा रहेगा, पता नहीं। बनाना स्टेम को हमने ऐसे चॉप करके काट लिया, और ये जो छोटे छोटे से दिख रहे हैं ये है पटेटो, और ये है गार्लिक, और ये बॉरी, और ये है मिर्ची। तो अभी हम लोग इसको मस्टर्ड पेस्ट से मिक्स करेंगे, मस्टर्ड पेस्ट से पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे। एक साथ में सब कुछ डाल के मिक्स करना होता है, क्योंकि इसके बाद इसको ये बनाना लीफ के अंदर डाल के रखना पड़ेगा कढ़ाई में या तावा में, कहीं पे भी रख सकते हैं। अभी थोड़ा सा हम लास्ट में मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे, तो हम बनाना लीफ के ऊपर अच्छे से सजा के रखेंगे। तो ऐसे हम लोग सजा के रख लिए, अभी इसको हम कवर करेंगे वही बनाना लीप को देख के। को अभी हम पूरा अच्छे से सील कर दिए हैं, अभी इसको हम तावा में रख के सेकेंगे, मैं दिखा देती हूँ। अभी इसको हम तावा में रख लेंगे ऐसे करके, और इसको कवर कर देंगे, और इसको अभी रख देंगे, और फिर 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, और उसके बाद उल्टा करके दूसरे साइड को भी वैसे ही 5-6 मिनट के लिए पकाना है, और उसके बाद ये पक जाएगा। आज हमारे घर में बर्ड्स घुस गई है उसके ऊपर। कैसे घुस कहाँ गए? इसके अंदर से। आ आजा आजा आ वहाँ पे वहाँ पे आ आ। फाइनली दीप का ऑफिस का काम खत्म हुआ, अभी हम लोग जाएंगे बैंक, वहाँ पे आज पूरा काम खत्म करके आएंगे,
बर्ड ना आ नहीं रहा है, मैंने उसको चावल भी थोड़ा सा दिया है बट वो खा नहीं रही है। इसको बांध के तो ये खा लेगा उसको। हाँ वो चावल खा रहा है, खुद को बर्ड ही मान। कच्चा चावल खा लिया वो बर्ड के लिए मैं जो लेके आई थी। इतना जो मैं बोल रही थी जल्दी जल्दी सुबह, इतना प्लान जो कर रही थी कि जल्दी निकलना है जल्दी निकलना है, घुमा फिरा के वही 12 बजे निकले, 12 नहीं शायद 12:30 हो गया है, तो आते आते वही 3 बज जाएगा नहीं तो 4 बज जाएगा। और इतना टाइम नहीं होगा अभी बोल रहा है, फिर वहाँ पे बैंक में जाने से तो जितना टाइम लगता है। फिर आज वही धूप, मैंने बैग में तो सब कुछ ले लिया है और बस पानी बॉटल लेना है। ये इंसान के लिए लेट हुआ और बैठ के किटकैट खा रहा है। नहीं नहीं मैं अभी नहीं खाऊंगी, इसके वजह से इतना धूप में निकलना पड़ रहा है। मैं क्या करूं, काम रहता है इंसान, इतनी धूप हो रही है। चल अकेले जाओ, हंटर पे घूम क्या? हंटर रेडी है। तुम्हारे पीछे देखो एक पूरा सही चीज है क्या? पूरा डॉग का स्पा वगैरह सब कुछ हो जाएगा वो गाड़ी के अंदर। ये है वो कॉटन कैंडी जो मानो हमको इंट्रोड्यूस किया था, ये ले लो कुछ। क्या है वो? मेरे लिए एक छांस है बस। दीप ने लिया सैंडविच आइसक्रीम, अच्छा है बट मुझे मन नहीं इसको खाने के लिए, मुझे बटर मिल्क लेना है। जस्ट हम लोग घर पे पहुंचे और मम्मी भी छांस बनाई थी आज, बट मैं तो आज भी पी नहीं पाऊंगी, मेरे लिए रख देना। और ये सब मैं फ्रिज में रख देती हूँ, इसको बस एक दिन में खत्म कर देगा। ऑलरेडी वो 2 खत्म कर लिया है। और ये बर्ड अभी तक है, उड़ रहा है। 12 बजे गए थे और आते आते कितना 4 बज गया। बैंक का काम आप बोल भी नहीं सकते कि कितना टाइम लगता है क्या, कभी कभी 5 मिनट पे भी खत्म हो जाता है, कभी कभी ऐसे। और उसके ऊपर बैंगलोर की ट्रैफिक, बैंगलोर पे आप कहीं भी जा रहे हैं तो 2 घंटा लेके चलना, 1 घंटा जाने के लिए और 1 घंटा आने के लिए। उसके बाद इतना सारा जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतनी ट्रैफिक हो रखी है, उसके बाद उसके ऊपर और 1.5 घंटा उफ। और उसके ऊपर गर्मी, तो क्या करें, बैंक का काम था करना था, होपफुली खत्म हो गया। अभी हम लोग लंच कर लेते हैं, अभी 2 दिन से बहुत लेट लंच कर रहे हैं हम। और मम्मी इसको निकाली नहीं है और ऐसे हुआ है। इसका स्मेल, वो लहसुन का स्मेल, फिर मस्टर्ड ऑयल का स्मेल, मस्टर्ड पेस्ट का स्मेल, सब मिक्स बहुत ही अच्छा लगता है इसका स्मेल मुझे। इसको बोलते हैं पोत्रो पोड़ा और इसको ऐसे ही पका के करते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। खाना वाना हो गया, थोड़ा सा ना लेट आज नहीं, फिर ऑफिस का काम। हायरो हायरो तो लेटेगा। आमला को आज सुखा दिए थे हम और ये पूरा अच्छे से सूख गया है और उसका जो कड़वापन वो भी चला गया है। आज मैं दोपहर में सो गई थी, एडिट कर रही थी, फिर पता नहीं कब सो गई, फिर मैं अभी देखी तो उठ के 1/2 घंटा के लिए सो गई थी। उठने के बाद मैं प्लांट्स में भी पानी दे दी और उसके साथ मैं एक छोले रेसिपी का शॉर्ट्स बनाई थी, मैं उसको एडिट नहीं कर पा रही थी बट आज मैं एडिट कर दी, वॉइस ओवर नहीं कर पाई, गाना डाल दी। अच्छा लग रहा है, आप चेकआउट करना शॉर्ट्स में जाके छोले की रेसिपी, आज नहीं तो कल आ जाएगा। दीप का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है तो वो एक बार आने से हम लोग चाय पियेंगे। और बाय द वे, और एक चीज़, आज भी आंटी भेजे थे दही वड़ा और ये हम फ्रिज में रख लिए थे, अभी हम शाम में खाएंगे, तो मैं अभी फ्रिज से निकाल दी हूँ और थोड़ा सा जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगा फिर ही हम खाएंगे इसको, अभी रख देती हूँ, सब लोग जब आएंगे तभी खा। एक साथ में 2-2 काम कर लेने से बहुत ही फ़ायदा होता है, दोनों काम एक साथ ही ख़त्म होता है, उसके बाद और भी टाइम बच जाता है और काम करने को। तो मैं पहले ये शॉर्ट्स अपलोड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या करूँगी। ये मैंने जस्ट अभी स्केड्यूल कर लिया 16th फेब शाम के 6 बजे अपलोड। बहुत दिन के बाद दही वड़ा खा रही हूँ और बहुत टेस्टी बना है। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आंटी के पास जाके सब रेसिपी सीख के आऊँगी और आपको सिखाऊंगी। यहाँ में बैठी है चुप के, दीप पूरा ऊपर चढ़ गया है। ले गया है तो यहाँ पे हम लोग एक जुगाड़ करके ये बर्ड को यहाँ पे रखे हुए हैं क्योंकि वो ना उड़ नहीं पा रही है बेचारी, पता नहीं क्या हुआ है। पानी और थोड़ा खाना भी दे दिया। हाँ पानी और खाना दे दिए हैं उसको, मैं जब बालकनी से छोड़ा ना वो सामने जाके उनके लॉन पे ऐसे गिर गई। तो यहाँ पे भी ऐसे खोल देने से वो जा नहीं रही है, जा नहीं रही है, वो सो रही है अभी शायद। हायरो हमारा वहाँ पे सोया है,
उसको सिक्योरिटी गार्ड का जॉब मिल गया है, वो उसको गार्ड दे रहा है। अभी फाइनली वो पानी पी रही है। ये पानी पी, खाना भी है, खाना भी खा लो। और वो पूरा दीप के पास ऐसे चली गई और दीप उसको पकड़ के बैठा हुआ है। रात में उसको हम रखेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बिल्ली ना घूमते हैं, तो ये अभी उड़ नहीं पा रही तो बिल्ली बिल्ली ना खा जाएंगे इसको, तो रात में एक दिन रखेंगे और कल हम लोग देखेंगे वो उड़ पा रही है नहीं, फिर उसको छूटेंगे, होपफुली उड़ जाए। आज भी वो सुबह से उड़ रही थी, उसके बाद शाम के बाद ना वो चुपचाप एक कोने में ही बैठी रही। फिर मैं दीप को बोली कि दीप वो जा ही नहीं रही है, फिर दीप उसको जब लेके आया पता चला कि उड़ नहीं पा रही है। देखते हैं, होपफुली वो, मतलब मुझे तो लग रहा है थक गई है, मे बी कल ही पता चलेगा सब। मैं जस्ट अभी वीडियो एडिट कर रही थी और देखी कि 12 बज गया और मुझे नींद भी आ रही है, और हमने ना वो बर्ड को हमारे रूम में ही लेके रख लिया है। मैं दिखा देती हूँ, अभी तो सो रही है वो, कल सुबह ही बस देखना है कि वो उड़ रही है क्या कर रही है, बहुत टेंशन है। होपफुली कल अच्छे से वो उड़ पाए। तो बस आज का ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं और आप लोगों के साथ मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। टिल देन, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।